दोस्तों, हैप्पी वीकेंड। सो मैं अभी आई हूँ हुड्डा सिटी सेंटर और मैं अभी अपना ब्लॉग हुड्डा सिटी सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं अभी जा रही हूँ एक जगह, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर। ये अंजलि है और ये काजल है और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ। गाइस, हम लोग मेट्रो से उतर चुके हैं और हम लोग पाटिल चौक में उतरे हैं, तो आप लोग अभी गैस कर ही सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मेट्रो के अंदर हमें छोटा सा म्यूजियम भी दिखा, काफी सारे मॉडल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। सो गाइस, बेसिकली हम लोग गुरुद्वारा बंगला साहिब जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि मेट्रो से उतरते ही ये लोग यहाँ पे ना फ्री में पानी दे रहे थे, तो काफी सारे सर्विसेज देते हैं। जैसे मेट्रो से उतरते ही आप लोगों को प्यास लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे पानी पी सकते हो, और साथ में इन्होंने ऑटो का भी इंतजाम कर रखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को अलग से ऑटो रिक्शा बुक नहीं करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ इनके फ्री सर्विसेज का यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने भी यहाँ के फ्री सर्विसेज का यूज किया। गाइस, हम लोग बंगला साहिब पहुंच चुके हैं और ये बंगला साहिब का एंट्रेंस है, आप लोग देख सकते हो। और गाइस, मैंने पूरी वीडियो में वॉइस ओवर किया बिकॉज नॉइज इतना ज्यादा आ रहा था कि मैं बस रिकॉर्ड करके रख रही थी उस टाइम पे। फिर दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे शूज जमा किया काउंटर पे। शूज जमा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना अपना पैर धोया। तो गुरुद्वारा में एंटर करने से पहले यहाँ पे पैर धोना पड़ता है। दोस्तों, हम लोग दर्शन करके गुरुद्वारा से बाहर निकल चुके हैं और अंदर काफी पीसफुल था, हमें बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, गुरुद्वारा के बाहर तालाब जैसा बना हुआ है जहाँ पे काफी सारे फिशेस है और यहाँ पे लोग नहाते भी है, मतलब अगर आप लोगों को दर्शन करने से पहले नहाना है तो आप लोग यहाँ पे नहा सकते हो। और दोस्तों, हम लोग लंगर भी खाना चाह रहे थे बट बहुत ज्यादा क्राउडेड था बिकॉज संडे था, तो बहुत ज्यादा क्राउड होता है। बट लंगर खाना काफी अच्छा होता है बिकॉज वो भगवान का प्रसाद होता है, बट हम लोगों ने नहीं खाया, हमने शूज ले लिया और हम लोग गुरुद्वारा से वापस निकल गए बाहर। और दोस्तों, गुरुद्वारा से निकलकर हम लोग वॉक करते करते मेट्रो स्टेशन तक जा रहे थे और साथ में मस्ती भी कर रहे थे, काफी सारा मजा आ रहा था हमें वॉक करके जाने में। और साथ में रास्ते में रुककर रील्स वगैरह वीडियो बना रहे थे, तो आप देख सकते हो कि अंजलि ये रील्स बनाने में बिजी थी थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, बहुत मजा आया। ओवरऑल काफी अच्छा दिन था, हमें काफी मजा आया। दोस्तों, फाइनली हम लोग वॉक करते करते मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और मैं आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं अपना ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय।